Hello student, good morning all of you. Today is हमने standard 7th में chapter 2 fractals fractions and decimal जो हमने point of remember जो first है fractor means क्या होता है, फिर proper fraction, फिर improper fraction and mixed fraction जो हमने इंट्रोडक्शन में लर्न किया था. आज में एडिशन ऑफ फ्रैक्शंस मींस एडिशन यानी कि ऐड, यानी कि देखो फर्स्ट एक हमारा एग्जांपल है 6/4 + 3/4. तो देखो न्यूमेरेशन दोनों में वो अलग अलग है, लेकिन जो ये जो डिनोमिनेटर है वो दोनों सेम है. यानी कि हम डिनोमिनेटर में क्या करेंगे कि दोनों यहाँ पे देखो सेम नंबर्स है डिजिट, तो हम 6 + 3 = 4 यानी कि हम इज इक्वल टू सेम 1 ही लेंगे. 6 + 3 तो कि 9 + 4 तो ये हमारा आंसर हो गया. देखो यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम हो तो हम एलसीएम करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन देखो ये दूसरा एग्जांपल है 2/3 + 4/5. तो देखो यहाँ पे डिनोमिनेटर और ये डिनोमिनेटर दोनों सेम नहीं है, तो हम उसको सेम बनाने के लिए हम क्या करेंगे कि ये अनलाइक डिनोमिनेटर है, तो हम उसको लाइक डिनोमिनेटर करने के लिए इन दोनों का एलसीएम करेंगे. एलसीएम कैसे करेंगे तो कि 3/5 इसको इस तरह से हम एलसीएम करेंगे. 3 × 1 = 3 यहाँ पे 5 होगा क्योंकि 3 से डिवाइडेड नहीं होता. फिर 5 × 1 = 5 तो ये हमारा दो एलसीएम हो गया. 3 × 5 = 15 15 हमारा इन दोनों का एलसीएम हो गया. तो हम इसको एलसीएम से ये डिनोमिनेटर हमको 15 से डिवाइड इनटू करेंगे तो क्या होगा हमारा आंसर कि 2 यहाँ पे 3 है तो 3 × 5 = 15 तो हमें 5 से मल्टीप्लाई करेंगे. तो देखो यहाँ पे हमने डिनोमिनेटर को 5 से मल्टीप्लाई किया है तो हम न्यूमेरेटर को भी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे. +4 = 5 तो 5 को हम 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 × 3 = 15 तो यहाँ पे हम 3 लगाएंगे तो ऊपर भी हम न्यूमिरेटर को भी हम 5 × 3 से मल्टीप्लाई करेंगे. तो देखो यहाँ पे 5 × 2 = 10 5 × 3 = 15 +4 × 3 = 12 5 × 3 = 15 देखो यहाँ पे जो डिनोमिनेटर है दोनों हमारा सेम हो गया. तो अब हम ये आसानी से कर सकते हैं 10 + 12 = 15 तो हमारा 10 + 12 कितना होगा तो कि 22/50 तो ये हमारा आंसर हो गया. अब नेक्स्ट है ये भी हो सकता है कि 7 + 7 = 8 तो देखो यहाँ पे कोई भी डिनोमिनेटर नहीं है तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पे 1 नंबर डिनोमिनेटर मुकेंगे 1 डिजिट. तो देखो यहाँ ए और ये दोनों अनलाइक है तो हम इसको लाइक यानी कि बनाने के लिए कि हम इसका एलसीएम करेंगे. तो एलसीएम कैसे करेंगे तो कि 1 = 8 तो इसका एलसीएम क्या होगा 1 × 1 = 1 फिर 8 को कितने से डिवाइडेड करेंगे तो कि 4 × 2 = 8 फिर 2 × 1 = 2 तो हमारा जो एलसीएम क्या होगा 4 × 2 = 8 8 हमारा
एलसीएम हुआ है, तो हम डिनोमिनेटर को 8 बनाने के लिए क्या करेंगे, तो 7 अपॉन 1 है तो इसको हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 8 8 एंड यहाँ पे जो नीचे हमने 1 डिनोमिनेटर को 8 से मल्टीप्लाई किया है, तो हम न्यूमेरेटर को भी 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 7 अपॉन 8, 8 को कितने मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आएगा, तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आएगा, तो ऊपर भी हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 7 8 जै 54, 7 8 जै 56 आएगा, 1 8 जै 8 प्लस 7 1 जै 7 नीचे आ गया, 8 1 जै 8, तो देखो दो नीचे जो डिनोमिनेटर है वो सेम हो गया हमारा, तो 56 प्लस 7 इज इक्वल टू 8, तो 56 प्लस 7 31 यानी कि 63 प्लस अपॉन 8, तो ये हमारा आंसर आ गया है। देखो जैसे हमने ये एडिशन में जो पोजीशन है वैसे ही सब्ट्रैक्शन में भी हो सकती है, यहाँ के प्लस की वजह माइनस आ जाएगा, यहाँ पे भी सेम पोजीशन होगी प्लस माइनस, तो जो नीचे डिनोमिनेटर सेम होगा तो हम एलसीएम नहीं करेंगे, ये यहाँ पे दोनों जो अलग अलग होगा माइनस में तो भी हम इसका जो है एलसीएम करेंगे, यहाँ पे भी सेम वैसे ही पोजीशन होगी तो हम सेम, बस साइन ही उसकी अलग होगी, यहाँ पे प्लस की साइन हमने लर्न किया है वैसे ही हम सब्ट्रैक्शन में भी सेम वैसे ही करेंगे। तो हमारा एक्सरसाइज नंबर 2.1 मैं यहाँ से स्टार्ट कर रही हूँ, तो फर्स्ट सॉल्व करेंगे हम, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है सॉल्व, तो फर्स्ट 2 - 3/5, देखो यहाँ पे ये पोजीशन क्या है कि जो थर्ड नंबर वाली हमने यहाँ पे लर्न की थी वैसे हम यहाँ पे 2 - 3/5, तो इसके नीचे हम डिनोमिनेटर नहीं है तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पे 1 लगा देंगे, तो देखो यहाँ पे दोनों की जो डिनोमिनेटर है वो सेम नहीं है, तो हम सेम बनाने के लिए कि इसका क्या करेंगे कि एलसीएम करेंगे, यानी कि 1 एंड 5 का एलसीएम करेंगे, तो 1 1 जा 1 एंड 5 1 जा 5, तो क्या हमारा आ गया दोनों का एलसीएम 5 1 जा 5, तो हम इन दोनों को डिनोमिनेटर को सेम बनाने के लिए 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 अपॉन 1, तो क्या होगा यहाँ पे भी हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर भी न्यूमिरेटर को भी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, -3/5, तो इनको हम कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 1 जा 5, तो ऊपर भी हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, अब इन दोनों को 5 2 जा 10, 5 1 जा अपॉन 5, -3 1 जा 3, -5 1 जा 5, देखो दोनों में 10 अपॉन 5 एंड 3 अपॉन 5 डिनोमिनेटर दोनों में सेम बन गया है, तो अब हम ये आसानी से बन जाएगा 10 - 3 इज इक्वल टू 5, 10 - 3 तो कि 7 - 5, तो ये हमारा आंसर बन जाता है 7 - 5। सेकंड है 2 आपको जो है होमवर्क पे अपने आप करना है, मैं थर्ड नंबर ले रही हूँ अभी, तो कि थर्ड है 3 अपॉन 5 + 2/7, तो देखो यहाँ पे थर्ड है 3 अपॉन 5 + 2/5, तो इन दोनों की जो डिनोमिनेटर है वो अनलाइक है, तो हम इसको लाइक बनाने के क्या करेंगे, तो कि इसका इन दोनों का हम एलसीएम बनाएंगे, तो कि 5 एंड 7 का एलसीएम क्या बनेगा, तो कि 5 को डिवाइडेड हो सकता है, नहीं हो सकता, तो 5 1 जा 5,
सेवन भी डिवाइडेड नहीं होता, तो सेवन वन जा सेवन, तो फाइव इंटू सेवन, फाइव सेवन जा थर्टी फाइव, तो थर्टी फाइव से हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। देखो तो थ्री अपॉन फाइव इंटू फाइव को थर्टी फाइव कौन से नंबर होगा, तो कि फाइव सेवन जा थर्टी फाइव, तो यहाँ पे न्यू तो हम ऊपर भी सेवन लगाएंगे, प्लस टू अपॉन सेवन, तो यहाँ पे हम थर्टी फाइव से मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या फाइव सेवन फाइव जा थर्टी फाइव, तो ऊपर भी हम फाइव से मल्टीप्लाई करेंगे, सेवन थ्री जा थर्टी वन, फाइव सेवन जा थर्टी फाइव, प्लस फाइव टू जा टेन, सेवन फाइव जा थर्टी फाइव। देखो दोनों की डिनोमिनेटर सेम हो गया है, तो ट्वेंटी वन प्लस टेन इज इक्वल टू थर्टी फाइव, तो ट्वेंटी वन प्लस टेन तो के थर्टी वन इज इक्वल टू थर्टी फाइव, तो थर्टी फाइव हमारा ये वो आंसर है। फिर है नेक्स्ट नंबर सिक्स, जो एट एट इंटू टू माइनस थ्री फाइव एट, तो इनको हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखो मैंने ये जो इंट्रोडक्शन में बुक किया था कि इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे और इन दोनों को हम प्लस करेंगे, सेम वैसे इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे और इसको हम प्लस करेंगे, तो एट टू जा एट टू जा सिक्सटीन, सिक्सटीन प्लस वन सेवनटीन अपॉन, नीचे देखो यहाँ पे टू है डिनोमिनेटर, तो हम भी यहाँ पे टू लिखेंगे, फिर है देखो यहाँ पे माइनस की साइन है, तो माइनस की साइन लगाएंगे, एट थ्री जा ट्वेंटी फोर, ट्वेंटी फोर प्लस फाइव, तो ट्वेंटी नाइन अपॉन एट, तो देखो यहाँ पे दोनों की डिनोमिनेटर है वो अलग अलग है, तो हम इसको सेम बना के इसको क्या करेंगे, तो कि एलसीएम करेंगे, एट एंड टू का दोनों का हम एलसीएम करेंगे, टू वन जा टू, टू फोर जा एट, टू वन जा टू, टू टू जा फोर, फिर टू वन जा टू, टू वन जा वन, टू वन जा वन, तो देखो यहाँ पे टू टू इंटू टू यानी कि टू टू जा फोर, फोर टू जा एट, तो कि एट से हम इन दोनों डिनोमिनेटर को एट जो हमारा एलसीएम उसे मल्टीप्लाई करेंगे, तो देखो यहाँ पे है सेवनटीन इज इक्वल टू टू, तो हम इसको एट से मल्टीप्लाई नहीं कर, पर एट ये टेबल्स में एट कहाँ पे आते थे, टू फोर जा एट, तो ऊपर भी हम फोर लगाएंगे, फिर है माइनस ट्वेंटी नाइन, यहाँ पे है एट, तो एट से एट क्या होगा कि एट वन जा एट, तो यहाँ पे भी हम वन से मल्टीप्लाई करेंगे, सेवन सेवेंटी फोर जा, तो कि सेवेंटी फोर जा आंसर क्या आएगा, तो कि सेवेंटी फोर जा सेवन, फोर जा फोर्टीन एंड ट्वेंटी एट, फोर वन जा फोर एंड सिक्स सिक्सटी एट, तो क्या आएगा यहाँ पे सिक्सटी एट, नीचे टू फोर जा एट, माइनस ट्वेंटी नाइन वन जा ट्वेंटी नाइन, यहाँ पे एट वन जा एट, देखो दोनों नंबर में जो डिनोमिनेटर है वो सेम हो गया है, तो अब हमारे ये आसान हमारे लिए ये आसान हो जाएगा, तो सिक्सटी एट माइनस ट्वेंटी नाइन अपॉन एट, तो सिक्सटी एट में से ट्वेंटी नाइन हम माइनस करेंगे, तो देखो यहाँ पे एट में से नाइन माइनस नहीं होगा, तो एटीन यहाँ पे हो जाएगा फाइव, एटीन में से नाइन कट करेंगे तो नाइन, यहाँ फाइव में से टू कट करेंगे तो थ्री, तो हमारा आंसर होगा थर्टी नाइन अपॉन एट, तो हम इनको थर्टी नाइन और एट को हम यहाँ पे जो है वो ये हमारा आंसर है, लेकिन यहाँ पे इसको हम देखो इसको और हम नंबर न्यूमेरेशन करने के लिए हम क्या करेंगे कि थर्टी नाइन
डिवाइडेड बाय 8, 8 फोर जा 36, 8 वन जा 8, 8 टू जा 16, 8 थ्री जा 24, 8 फोर जा 32, तो 2 9 में से 2 कट होगा तो 7, यहाँ पे 0, यानी कि देखो ये जो ये है, ये नंबर है, उसको हम कहाँ पे ले जाएंगे, तो कि ये न्यूमिरेटर में इस नंबर को लिखेंगे। देखो इसको हम और भी सोल्व करेंगे, तो ये न्यूमिनेटर में वो जाएगा, ये 4 है वो नेचुरल नंबर बन जाएगा, और ये 8 है वो डाउन में, यानी कि ये 8 तो है ही हमारे पास, तो ये नीचे होगा। फिर ये 7 और 4 है, तो 7 इसको हम न्यूमिनेटर में लिखेंगे, 7 और 4 इसको, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 8 फोर जा 32 प्लस 7 9, 39 अपॉन 8। देखो इस आंसर को हम इस तरह से भी बना सकते हैं, और ये इस तरह से भी हम लिख सकते हैं। इसको इस तरह से लिखने के लिए हम इसको डिवाइडेड करेंगे, तो जो भी जो नीचे नंबर आएगा उसको हम न्यूमिनेटर में लिखेंगे, और जो हमारा ऊपर आंसर होगा उसको हम नेचुरल नंबर यानी कि ये हम साइड में यहाँ पे लिखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर ये फर्स्ट का जो सेकंड एग्जांपल, फोर्थ, फिफ्थ एंड जो सिक्स है, वो आपको होमवर्क पे करना है।